मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले जिंकाबाई टाकरी गीता नगर से एक हत्या की घटना सामने आई है, जहां मामूली बहस की शक्ल एक बड़े अपराध ने ले ली। साथ में शराब पी रहे पिता पुत्र साथियों ने सालों से परिचित साथी की लकड़ी के डंडे से कुचलकर हत्या कर दी। मामले में निहित अपराधी गीता नगर जिंकाबाई टाकरी निवासी 65 वर्षीय महादेव एकनाथ राजुरकर एवं 30 वर्षीय मनोज एकनाथ राजुरकर दोनों फर्नीचर का काम करते हैं, जिनके साथ ही मृतक 30 वर्षीय मिनीमाता नगर निवासी राकेश कमी काम करता था, जिनकी कई सालों से एक दूसरे से पहचान थी। उसके बीच मंगलवार को मृतक राकेश अपराधी मनोज की बाइक लेकर गया था और फिर बाइक लौटाने कल करीब 2 बजे के आसपास मनोज के घर आया, जहां महादेव एकनाथ राजुरकर एवं मनोज एकनाथ राजुरकर इन दोनों पिता पुत्रों समेत राकेश ने शराब पी। उसके बीच किसी मुद्दे को लेकर तीनों के बीच बहस शुरू हुई, जिसमें मृतक राकेश ने मनोज को अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया, जिसमें विवाद इतना भड़क गया कि मनोज और एकनाथ ने मिलकर मृतक राकेश के सर पर लकड़ी एक डंडे से वार करना शुरू कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी आरोपी एकनाथ की बेटी को पता चली, जो तलाकशुदा होने के कारण एकनाथ के घर पर ऊपरी मंजिल पर रहती है। जैसे ही उसे वारदात समझ में आई, उसने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर वारदात की घटना पुलिस को दी, जिसके बाद मानकापुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक सुधाकर हुंबे ने दी। एक मुलगा है 30 वर्षाचा राकेश गमे नाव आहे त्याचं, त्याची काल हत्या झालेली आहे। आरोपी मनोज राजुरकर आणि त्याचे वडील एकनाथ राजुरकर हे दोन आम्ही अटक केलेले आहेत। मनोज राजुरकर आणि राकेश गमे हे म्हणजे मृतक हे दोघेही मित्र आहेत आणि नेहमी ते याच्या घरी दारू प्यायला जायचे, म्हणजे दारू प्यायला बसायचे। काल पण असंच दारू पिता पिता त्यांच्यात भांडणं झाली आणि त्याच्यानंतर हाणामारीमध्ये आरोपी मनोज राजुरकर आणि त्याचे वडील एकनाथ राजुरकर यांनी त्याला डोक्यामध्ये वीट लाकडी दांडा आणि दगडी पाटा अशा हत्याकांनी त्याला डोक्यात मारहाण करून त्याचं खून केलेला आहे। माहिती कंट्रोल रूमला ते जे आरोपी राहतात त्याच्यावरतीच त्याची बहीण राहते, मनोज राजुरकर याची म्हणजे एकनाथ राजुरकर याची मुलगी, तिने ते सगळा प्रकार बघून तात्काळ कंट्रोल रूमला फोन केला आणि कंट्रोलने मग कामाला कळवल्यावर आम्ही जाऊन घटनास्थळी गेलो आणि आरोपीला ताब्यात घेतलेलं आहे। दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे। हे दोघेही जे आहेत फर्निचरचं काम करत होते, मनोज राजुरकर आणि एकनाथ राजुरकर। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।